नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कैसे हैं आप सभी? मजे में है ना विद्यार्थी मित्र? थोड़े दिनों की छुट्टी के बाद आज आपका फिर से स्वागत है। आप सभी ने संक्रांति का त्योहार बहुत ही मजे लेकर और बहुत ही अच्छी तरह से मनाया होगा, यह मेरी आशा है। विद्यार्थी मित्र, चलिए अब हम एक बार फिर से हिंदू
कबीरदास जी 15वें शताब्दी के कवि थे और उन्होंने हिंदू और मुसलमान धर्म के लोगों को मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। विद्यार्थी मित्र, चलिए अब हम एक एनिमेशन वीडियो द्वारा यह जो दोहे है उसे समझने का प्रयास करते हैं। भजन में कबीर जी का नाम तो सुना ही होगा। कबीर के दोहे बहुत ही चोटदार है, आइए इनके बारे में कुछ और जानें। नाम कबीर, जन्म 15वीं शताब्दी। कबीर निर्गुण परंपरा के संत थे। वे निर्गुण परंपरा के अनुसार बाह्याडंबर का विरोध करते थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाई है। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से लोगों को सही जीवन का उपदेश दिया है। कबीर की तरह रहीम भी बड़े अनुभवी कवि थे। उनके दोहों में जीवन की मूल बातों का निचोड़ है। उनके बारे में इतना जानिए। नाम अब्दुर रहीम खान खाना। रहीम भी 15वीं शताब्दी के संत कवि थे। उन्होंने भी समाज को सही रास्ता दिखाते हुए बहुत ही अच्छे दोहों की रचना की है। वे बहुत ही अनुभवी और उदार संत थे। उनके दोहे सामान्य जन को जीवन के सही पहलू से परिचित करवाते हैं। जीवन मूल्यों का भंडार इनके दोहों में देखने को मिलता है। मित्रों, कबीर और रहीम की तरह तुलसी भी संत कवि थे। उनके दोहों में जीवन की सही बातों को उजागर करने का प्रयास देखने को मिलता है। नाम संत तुलसीदास। तुलसीदास 16वीं शताब्दी के राम भक्ति संप्रदाय के सगुण परंपरा के संत कवि थे। उन्होंने विनय पत्रिका, रामचरितमानस जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। उनके दोहों में राम भक्ति के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए मार्गदर्शक बातें हैं। दोहों में जीवन मूल्यों का भंडार है। इकाई 5, दोहे। ध्यान से दोहे सुनिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। समझूती। यहां कबीर जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे इतना ही धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का लालन पालन हो सके, मैं कभी भूखा न रहूं और मेरे घर से कोई भी साधु व्यक्ति भूखा न जाए। यहाँ कबीर जी ने लोभी मनुष्यों पर कटाक्ष किया है। हमें उतना ही धन चाहिए जिससे हमारा जीवन शांति से निर्वाह हो सके। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। समझूती। यहां कबीर जी कहते हैं
जो बिना सोचे विचारे काम करता है वो बाद में पछताता है। वह व्यक्ति खुद का काम बिगाड़ता है, साथ में दुनिया में हंसी का पात्र बन जाता है, अर्थात लोग उस पर हंसते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। समझूती। कबीर जी कहते हैं कि मैं बाजार में अर्थात सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ। सभी लोग सुखी रहे इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी किसी से न तो दोस्ती है और न दुश्मनी है। विद्यार्थी मित्रों, चलिए अब हम संत कबीरदास के उनके दोहे पढ़ते हैं और समझते हैं। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मेरा ना रहो साधु न भूखा जाए। एक बार फिर से सुनिए, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहो साधु न भूखा जाए। विद्यार्थी मित्र, चलिए अब हम इस दोहे को समझते हैं और साथ ही साथ दोहे में आने वाले नए शब्द उसके अर्थ भी समझते हैं। मेरे दरवाजे पर आए और
लौटे, यानी कि यहाँ पर जो कवि कबीरदास जी है वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे साईं, आप मुझे इतना धन, इतना अन्न दीजिए कि जिसमें मेरे पूरे परिवार का पालन पोषण हो सके और मैं कभी भी भूखा ना रहूं, मेरा परिवार भूखा ना रहे और साथ ही साथ मेरे द्वार पर यानी कि मेरे दरवाजे पर आने वाला जो भिक्षु या वह साधु संत फकीर है वह भी कभी भूखा न जाए, मुझे आप इतना अन्न दीजिए। आगे देखते हैं हम दूसरा दोहा। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। देखिए विद्यार्थी मित्र, जो हमने पहला दोहा देखा उसमें कबीर जी ने धन संपत्ति की बात कही, यानी कि कबीर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे इतनी सारी धन संपत्ति नहीं चाहिए, ढेर सारे धन संपत्ति मुझे चाहिए नहीं, मुझे धन संपत्ति का कोई लोभ नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना अन्न, इतना धन चाहिए जिसमें मेरे परिवार का, मेरे कुटुंब का भरण पोषण, पालन पोषण हो सके और मैं या मेरा परिवार कभी भी भूखा ना रहे और मेरे दरवाजे पर, मेरे द्वार पर आने वाला जो वह कभी भी मेरे हाथ, मेरे द्वार से खाली हाथ न लौटे, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए। विद्यार्थी मित्र, आपने देखा ना कि रहीम जी जो है वह हमें बहुत अच्छा जीवन संदेश देते हैं कि किस प्रकार कबीर जी कहते हैं कि हमें धन संपत्ति का लोभ रखना नहीं चाहिए, लेकिन हमें इतना ही ईश्वर से या प्रभु से मांगना चाहिए जितनी हमें जरूरत है, जरूरत से ज्यादा हमें ईश्वर से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। विद्यार्थी मित्र, चलिए अब हम दूसरा दोहा देखते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। काम बिगाड़े आपनो, आपनो यानी कि खुद का, अपना, जग में होत हसाए, जग में होत हसाए यानी कि जग उसकी हंसे उड़ाता है। देखिए एक बार फिर से हम इसके अर्थ समझते हैं। बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे यानी कि सोचे समझे बिना जो काम करे, सो पाछो पछताए, पाछो यानी कि बाद में, क्या होता है पाछो यानी कि बाद में, पाछो अर्थात बाद में। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, तो हम अगर कोई काम करते हैं तो हम बिना सोचे समझे विचार किए बिना काम कर लेते हैं तो हमें पछताने की नौबत आती है। तो कब यहाँ पर कबीर जी यही कहते हैं कि विचारे बिना, कुछ भी सोचे बिना, सोचे समझे बिना काम कर देना और बाद में पछताना। काम बिगाड़े आप लो, काम बिगाड़े आप लो यानी कि खुद का काम तो बिगड़ता ही है, साथ ही साथ जग में हो तो हसाए, जग अर्थात संसार दुनिया, क्या होता है जग अर्थात संसार या दुनिया, जग अर्थात संसार या दुनिया, विश्व, हसाए अर्थात हसी मजा, हसी या मजा। तो यहाँ पर कबीर जी ऐसे पुरुषों की बात करते हैं, ऐसे मनुष्यों की बात करते हैं कि जो कुछ भी सोचे समझे बिना काम करते हैं, काम करने से पहले कभी वो सोचते नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा, तो सोचे समझे बिना काम करते हैं और उनको बाद में पाछो यानी कि बाद में उन्हें पछताने की नौबत आती है। तो वह व्यक्ति खुद का
चलिए एक बार फिर से देखिए, बिना विचारे जो करे सो बार सो पछताए, यानी कि बिना विचारे बिना सोचे समझे जो व्यक्ति काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। पांचवा अर्थात बाद में, काम बिगाड़े आप नो, काम बिगाड़े आप नो अर्थात उसका खुद का काम तो बिगड़ता ही है, साथ ही साथ जब में हो तो फसाए अर्थात काम तो बिगड़ता ही है उसका, और साथ ही साथ जगत के जो लोग है दुनिया के लोग है वह उसका मजाक भी उड़ाते हैं, यानी कि हम दूसरों के सामने हंसी का मजाक का पात्र भी बन जाते हैं। तो इस दोहे से कभी भी हमें कहना चाहते हैं अर्थात इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे बिना विचार किए कोई काम नहीं करना चाहिए, अर्थात अगर हम जो बिना सोचे समझे काम करेंगे तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा और हमारा खुद का जो काम हमने किया है वह बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ हम और लोगों के लिए यानी कि औरों के लिए दूसरे लोगों के लिए संसार के लिए हम हंसी का मजाक का पात्र बन जाएंगे, लोग हमारे चाहिए, नहीं तो हमें बाद में क्या होगा तो बाद में हमें पछताने की नौबत आती है। एक बार फिर से देखिए, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है, उसका काम तो बिगड़ता ही है साथ ही वह दुनिया में मजाक का पात्र बन जाता है, लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। विद्यार्थी मित्र, हमने ये जो दोहे देखे वह दोहे गीत की तरह गाकर भी याद रख सकते हैं। देखिए विद्यार्थी मित्र, हम अब इन दो दोहों का पाठ करेंगे, आप सभी का ध्यान इस तरफ होना चाहिए। अब हम दोहों का गान करते हैं। साई इतना दीजिए जाम में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साई देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों,